इतने सारे बैंगल्स और वो भी मीशो से, तो मीशो हॉल तो बनता ही था, तो मैंने सोचा चलो अपने फ्रेंड्स के साथ मीशो हॉल स्टार्ट करते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ आशा, स्वागत है आशास कॉर्नर पे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली जो बैंगल सेट है वो इतनी प्यारी है कि बस नज़र हट ही नहीं रही है। मेरा साइज है 2-8 और मैंने ऑर्डर करी है ये वाली बैंगल्स का कॉम्बो, जिसमें आपको 4 बैंगल्स मिलेंगी और इसके नीचे आपको इस तरह से ये वाला ना गोल्डन सा लटकन लगा हुआ मिलेगा, दिख रहा है? ये इसमें 3 लेयर्स हैं, 1, 2, 3, एक में वाइट, एक में ग्रीन, एक में रेड में ये चेन लगा हुआ है और ये इसका एक लटकन सा बनाया है, ताकि ये काफ़ी यूनिक बैंगल है, मेरे पास थी नहीं इस टाइप की, तो मैंने सोचा अब फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, वेडिंग्स भी स्टार्ट हो जाएंगी आना, और मतलब काफ़ी सारे फंक्शंस हैं आने को है अपकमिंग फेस्टिवल्स, तो मैंने कहा ये इस तरह का तो होना ही चाहिए। ऊपर से ये रेड कलर में है, तो रेड तो ये होता है ना कि सुहागन को हम जैसे मैरिड लेडीज़ के लिए तो बेस्ट कलर होता है रेड, तो मैंने ये ऑर्डर करी है। फ्रंट में जहाँ पे ये वाली चेन नहीं लगी हुई है उस पार्ट में आप देखोगे गोल्डन स्टोन पेस्ट किए हुए हैं, दिख रहे हैं? गोल्डन स्टोन पेस्ट कर रखे हैं यहाँ पे ऐसे, और जिस तरफ से स्टोन नहीं है वहाँ पे इन्होंने ये चेन लगा रखी है, कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये 4 का सेट है, 2-8 मेरी साइज है और इनकी जो प्राइस है वो आपको, इनका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्राइस आपको साइड में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप अगर मेरे को पहली बार देख रहे हो और मैं मतलब मेरे से मुझे जानते नहीं हो, तो मैं बता दूं मेरा नाम आशा है, मैं जयपुर से हूँ और मेरे चैनल का नाम है आशाज कॉर्नर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो हॉल वीडियोस के लिए, स्किन केयर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के लिए, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। बस आपके सपोर्ट ही चाहिए दोस्तों और कुछ भी नहीं चाहिए, लाइक शेयर और कमेंट करके जाया करो, मुझे अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट वाला सेट है दोस्तों, वो भी बहुत प्यारा है, वो इस टाइप की पैकेजिंग में आया है, ठीक है? और ये भी सेम आपको दिख रहा होगा, मेरी साइज इस पे मेंशन है। ये है मोतियों वाला, मुझे मोतियों की चीज़ें, पर्ल से बनी हुई चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये 2 कड़े बोलते हैं हम लोग, तो 2 कड़े हैं इसमें एक कॉम्बो में, मतलब आप एक सिंगल यहाँ से ऐसे पेयर कर सकते हो इस तरीके से, सी, और ये थोड़ा सा निकल रहा है इधर ना, तो थोड़ा ध्यान रख से पहनना होगा। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका कोई भी पार्टी वेयर अटायर है ना, आप उनके साथ हैवी बैंगल्स कैरी करते हो या बीच में कहीं लगा के इजीली इसको स्टाइल कर सकते हो, या सिंगल भी पहनोगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा, सी। तो फ्रेंड्स इसको आप सिंगल भी कैरी कर सकते हो और इसको अपना मतलब जैसे जो भी आपके अटायर, मतलब जो भी आपकी ड्रेस है उसके साथ की मैचिंग चूड़ियों के साथ भी इसको पेयर कर सकते हो, तो आपका पूरा एक बैंगल सेट रेडी हो जाएगा वेडिंग्स के लिए, पार्टीज के लिए, या फिर रक्षाबंधन आ रहा है और सावन का महीना आ रहा है, हरियाली तीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो उसके लिए आपका ये सेट तैयार हो जाएगा। अंदर की तरफ ऐसे गोल्ड की फिनिशिंग है, ऊपर की तरफ इस तरह से गोल्ड और स्टोन प्लस मोती लगे हुए आएंगे, देखो इस टाइप से कैमरे में दिख रहा है आप लोगों को। तो ये 2 का सेट, 2 कड़े का सेट था जो मैंने मंगाया। उसके बाद मैंने मंगाए हैं एक ब्रेसलेट ऑर्डर किया है। तो जो ये चीज़ों के जितनी भी बैंगल्स के जो भी प्राइस है ना, तो मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो मैंने इनके प्राइस किए ना उन सब पे ये जस्टिफाई नहीं करते हैं प्रोडक्ट, स्पेशली दिस वन, दिस ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट की फ्रेंड्स जो प्राइस है नॉट मोर देन 50 रुपीज़, ओके? 50 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं है ये ब्रेसलेट, आप लोकल मार्केट में जाओगे 30, 40, 50, मैं बापू बाज़ार जाती हूँ तो इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे 50 रुपीज़ के अंदर मिल जाती हैं, बट इसको बाय करने के लिए 140 रुपीज़ अराउंड मैंने कुछ पे किया है, जो कि ज़्यादा ही है और क्वालिटी वाइज भी इतना कुछ खास नहीं है, सी ऐसा है, ये इतना कोई खास नहीं लग रहा है, जैसे पिक में जो दिख रहा था ना उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, जो लोकल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना अगर आपको शॉप्स पे, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप वहां से बाय करो रादर देन कि आप मीशो वगैरह से या कहीं से भी ऑनलाइन बाय करते हो, क्योंकि वहां के रेट्स काफी चीप होते हैं, क्योंकि अब तो लॉकडाउन वैसे भी ओपन हो चुका है और कभी आप जा रहे हो कहीं दिख जाता है तो वहां से बाय करा करो, और इनकी कॉस्ट ऑनलाइन बहुत ज्यादा लग रही है मुझे, सबकी मैं बता रही हूँ, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, क्वालिटी वही की वही है जो आपको जयपुर के बापू बाजार या GTE में मिल जाएगी, बट जो प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा हाई है बैंगल्स की। तो स्पेशली ये बैंगल्स भी मुझे 100 रुपीज़ का मिल रहा था, इसमें तो और भी ज़्यादा मैंने पे किया है, इसका भी मैं कहना चाहूँगी
प्लास्टिक जो सीप बोलते हैं वो बैंगल्स हैं, फिर भी इनकी रेट ज़्यादा है। और ये तो मेरी तरफ से नो वाला प्रोडक्ट है। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं अपने चैनल पे हमेशा बिगिनिंग से ही चीज़ों के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। कोई बायसनेस नहीं है कि मीशो मुझे कोई पे नहीं कर रहा है कि मैं उनकी तारीफ़ों के पुल ही बांधती रहूँ। जो मेरी चीज़ जो मुझे लगता है कि हाँ वो बेकार है तो मैं उसे बेकार कहती हूँ, अच्छी है तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी, आप लेनी चाहिए आपको। जस्ट लाइक ये बेडशीट, अब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं थैंक्स टू देम, वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि बेडशीट कैसी है। जो आप देख ही रहे हो, मैंने अभी अभी स्प्रेड कर रखी है अपने बेड पे, ग्लेस कॉटन की है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, धुलने के बाद कलर वगैरह कुछ भी नहीं गया है, ना इसकी स्टिचिंग निकली है। तो ये हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छा था, बट ये बैंगल्स वगैरह तो वर्थ नहीं है इनकी प्राइस के। अब बताती हूँ आपको ये वाले सेट, ये वाले एक क्या बोलते हैं इसको, पंजा बोलते हैं हमारे में, तो आप में क्या बोलते हैं पता नहीं, हाथ फूल भी बोलते हैं, मगर ना तो ये हाथ फूल है ना ही ये पंजा है। अब इसकी क्वालिटी बिल्कुल बकवास है। जो चीज़ हमें दिखाई दी देती है ना पिक में, मीशो पे, कई बार हुआ है ऐसा कि वो चीज़ जो हमें दिखाई दे रही होती है वो कई बार रिसीव नहीं होती है। अब कई लोग तो क्या होते हैं कि नहीं जी बहुत अच्छी ज्वेलरी है और ये है, ऐसा नहीं है, कई बार प्रोडक्ट अच्छा आ जाता है कभी गलत आ जाता है। अब मैं आपको दिखाऊँ ना, इसकी क्वालिटी से जो मैंने एक्सपेक्टेशंस थी ना वो बिल्कुल भी वैसी नहीं मिली मुझे, बिल्कुल भी वैसी नहीं मिली, और मुझे अच्छा नहीं लगा ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी। तो मैं इसे रिटर्न करने वाली हूँ, क्योंकि इतना पैसा फालतू किसी के पास नहीं है कि घटिया प्रोडक्ट मंगाओ उसको पहनो और फिर वो एक महीने बाद दो महीने बाद ख़राब हो जाए। सी ये कुछ ऐसे आता है, क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, प्लस ये डैमेज प्रोडक्ट भी है, टूटा हुआ भी है। और इसके साथ साथ मैंने हस्बैंड के लिए भी ब्रेसलेट मंगाया था, वो भी टूटा हुआ आया था। तो मेरी तरफ से तो बिग नो है, मत लो। अगर कम रेट में लोकल मार्केट में मिल रहा है तो ले लो। देखो यहाँ से बिल्कुल आपको दिखेगा छेद और खा, ये टूटा हुआ है, ठीक है, ये देखो बिल्कुल छेद और खा, टूटा हुआ है यहाँ से, और बिल्कुल हल्की क्वालिटी है इसकी, बिल्कुल रद्दड़। 50 रुपीज़ की चीज़ों को ये लोग 150, 200, 250 रुपये में बेचते हैं, यार क्या मतलब है, क्यों लेंगे हम इनसे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। फ्रेंड्स अगला सेट है इस टाइप का, ये राजस्थानी चूड़ा सेट आएगा। इसके अंदर दो हाथों का पूरा ये प्रॉपर बना हुआ आता है, कुछ इस टाइप में बॉक्स में से ऐसे ही निकलता है, ओके। और ये इस टाइप में से आता है, सी क्लोजर लुक देखिए आप इसका, ये कुछ इस टाइप में आएगा, ओके। इसके अंदर होते हैं दो चार सिक्स मेन कड़े, जो मिक्स जो मेन चीज़ होती है इसकी, USP होती है ये लगने वाले साइड में लगने वाले ये कड़े, जो कि बहुत 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 खूबसूरत है, बहुत अच्छी कारीगरी हो रखी है इसके ऊपर, देखिए बड़े प्यारे लग रहे हैं। इसमें इस तरफ भी स्टोन पेस्ट कर रखे हैं, यहाँ पे प्रॉपर पेंटिंग हो रखी है, ये राजस्थानी काम किया हुआ इसके ऊपर पूरा। और ये ऐसे इसमें चार कड़े हैं, एक दो और ये तीन चार, मतलब दो एक हाथ में आएंगे आपको कुछ ऐसे हैं। अब इसको ज़्यादा जोर जबरदस्ती करा तो टूट सकता है, इसलिए मैं आराम से इन्हें ट्राई करूँगी, अभी आ नहीं रहे हाथ में, इस टाइप्स में आएंगे ये। फिर आएंगे इसके अंदर ये दो मेन बैंगल्स, जिसमें राधा कृष्ण प्रॉपर प्रिंट कर रखे हैं, ये सीप के चूड़ा, सीप का चूड़ा कहलाता है हमारे यहाँ पर जयपुर में। बापू बाज़ार में आप जाएंगे तो आपको ढेरों मिल जाएंगे, मगर वहाँ पर क्या होता है कि बार्गेनिंग करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा रेट देते हैं वो लोग। तो ये कुछ इस टाइप के आएंगे, सी राधा कृष्ण बने हुए हैं, प्लस स्टोन पेस्ट हो रखा है इसके अंदर, और काफ़ी खूबसूरत है यार ये, बहुत प्यारा लग रहा है। मगर पता है क्या हो रखा है, कहीं कहीं से ना इसके मोती निकल गए हैं, एक मोती निकला हुआ दिख गया मुझे, और प्रिंट भी इसका ना धीरे धीरे बाय द टाइम अगर आप रेगुलर इसे पहनते हो तो निकल जाएगा, बट आपको इसको ओकेजनली ही पहनना है, और मोस्टली घर में तो लेडीज इतना पहनती नहीं। अब बढ़ते हैं इसकी बैंगल्स की, और बैंगल्स आएंगी सीप की बैंगल्स कुछ इस टाइप की। तो ये बैंगल्स भी मुझे बड़ी प्यारी लगी, कई बार आपको मन नहीं होता ना इतने भारी भरकम पहनने का, तो ये आप पहनिए, देखो मल्टी कलर है इसमें, रेड येलो गोल्डन और ग्रीन, कितनी सुंदर लग रही हैं सी। तो एक ही सेट के अंदर आपके दो सेट आपने बना लिए, और भी अगर आपको लगता है कि अभी और ज़्यादा बड़ा सेट बन रहा है तो इसको और छोटा कर लो, कुछ ऐसे पहन लो जस्ट लाइक दैट। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कभी ये ऐसे पहन लिया, कभी वैसे पहन लिया मिक्स एंड मैच करके। तो कुछ ये गोल्डन कलर का ये तीसरा सेट इसमें बन गया, और छोटा कर लो, रेड चूड़ियाँ पहन लो सिर्फ, ये लो चार रेड चूड़ियाँ हो गई, चार ग्रीन हो गई और चार येलो चूड़ियाँ हो गई, इनको मिक्स मैच करके पहन लो, सी कितना प्यारा लुक लग रहा है। तो
तो ऐसे करके आप डाइवर्सिटी के साथ काफी सारी चीजों के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आपके क्रिएटिविटी पे है आप कैसे इनके चूड़े के सेट बनाते हैं। हम लोग तो ऐसे ही बचपन से सीख रहे हैं अपनी माओ से कि चूड़ों को कैसे मिक्स एंड मैच किया जाता है। नेक्स्ट वाला पेयर है ये वाला जो सिल्वर की बैंगल्स हैं, ये मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है। मैंने कॉलेज टाइम में बहुत पहना इन्हें, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि एक हाथ में वॉच हो और एक हाथ में ये इस टाइप की बैंगल्स हों। तो इनको मैंने अभी तक ओपन करके नहीं देखा था, कभी पार्सल आते रहते हैं हॉल के लिए तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि एक एक को देखो। तो ये हैं वो बैंगल्स, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी करके भेजी है। बॉक्स के साथ बबल रैप था, बबल रैप के साथ ये प्लास्टिक रैप है और बबल रैप के प्लास्टिक रैप के अंदर भी एक रोल सा बना के फिर इनको अच्छे से फिक्स किया हुआ है। तो बैंगल्स में वेट काफ़ी है, प्लस ये देखने में भी खूबसूरत लग रही हैं और इनकी शाइनिंग भी बड़ी अच्छी सी आ रही है। प्राइस इनका आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सी ये इस टाइप्स में दिखती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ काउंट करके इतने इसमें कितनी बैंगल्स हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ना ब्रेसलेट, ये कुछ ऐसे स्प्रिंग के पैटर्न में आता है, तो किसी भी साइज का हो, कोई भी हो, वो इसे इजीली पहन लेगा। साइज का इसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। जस्ट लाइक दैट ऐसे आप करके इसको पहन लो। तो ये गर्ल्स के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट इसका ये था पहनने के बाद खूबसूरत भी काफ़ी लग रहा है ये। बट ये ना एक ये इसका निकला हुआ मिला मुझे, बॉक्स के अंदर था ना, जब मैंने बॉक्स खोला तो ये इस टाइप से ये मुझे निकला हुआ मिला है। एनी हाउ आप इसको फिक्स कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको रिप्लेस करवा के, सॉरी हाँ रिप्लेस ही बोलते हैं ना, एक्सचेंज करवा लीजिए, एक्सचेंज करवा के दूसरा मंगवा लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। नो डाउट काफ़ी लाइट वेट है और अच्छा भी लग रहा है पार्टी वेयर के साथ, सूट कुर्तियों के साथ काफ़ी अच्छा लगने वाला है। प्रोडक्ट ठीक है, प्राइजेस की आपको मिल जाएगी स्क्रीन के ऊपर और सबके कोड्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो दोस्तों आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।